दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों कई हम त्यौहार, कई पर्व और कई दिवस ऐसे होते हैं जिनको मनाते जरूर है, लेकिन असल में क्यों मनाते हैं, उसके पीछे वजह क्या है, इसके बारे में हमें स्पष्ट तौर पर पता नहीं होता है। जैसे कि आज 8 मार्च महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन बहुत सारे लोग मना रहे हैं, उनको असल में कारण नहीं पता कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाते हैं। आगे सभी आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई खबर है, साथ ही ट्विटर अभियान के बारे में भी हम जिक्र करेंगे, और इसी के साथ ही आपको ये भी बताएंगे, आपको बताएंगे कि आपको हम दिखाएंगे वीडियो जो है मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सदन में घोषणा कर रहे हैं, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें सीएम बोल रहे हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय का शब्द सुन रहे होंगे, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पे, एक इंटरनेशनल लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे भी महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन पॉपुलर जो है इंटरनेशनल लेवल पर है। नेशनल लेवल का मतलब है जो अपना भारतीय होता है, लेकिन भारतीय महिला दिवस आज के दिन नहीं मनाया जाता, इसको भी आप लोगों को समझना चाहिए। इंटरनेशनल वुमेन डे आज के दिन मनाया जाता है, हम दोनों ही आपको बातें बताएंगे आज यानी कि 8 मार्च को इंटरनेशनल डे वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे क्यों मनाया जाता है, साथ ही भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, दोनों को बारे में जानिएगा और कारण क्या है, वजह क्या है, इसको जानिएगा। फिर उसके बाद आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई प्लांट लगाए जाएंगे पुष्टार के, उससे जुड़ी हुई खबरें आ रही और भी कई अहम खबरें, वो सब देखेंगे। सबसे पहले तो सभी लोगों को शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। चलिए आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। आपको बता दें 1917 की बात है, पहले विश्व युद्ध के दौरान 28 फरवरी को रूस की महिलाओं ने ब्रेंड एंड पीस यानी कि खाना और शांति की मांग की थी। यही नहीं, हड़ताल के दौरान उन्होंने अपने पतियों की मांग का समर्थन करने से भी मना कर दिया और उन्हें युद्ध को छोड़ने के लिए राजी भी कराया था। आपको बता दें ग्रेगरियन कैलेंडर जो होता है, यह दिन जो है 8 मार्च का था ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार, और उसी के बाद से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाने लगा। कई देशों में इस दिन महिलाओं के सम्मान में जो है छुट्टी दी जाती है और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी के साथ ही इस दिन महिला और पुरुष एक दूसरे को फूल भी देते हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें सम्मान एक दूसरे को देना, और आपको बता दें खाना और शांति की मांग हुई थी। यही नहीं, हड़ताल के दौरान उन्होंने जो महिलाएं इन्होंने अपने पतियों की मांग का समर्थन करने से भी मना कर दिया था, और यह जो है मामला पहले विश्व युद्ध के दौरान का है, 1917 साल जो है 1917 का है। 28 फरवरी को रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस यानी कि खाना और शांति की मांग की थी, और इसी को लेकर जो है यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। लेकिन थोड़ी सी जानकारी आपको मैं यहाँ पर और दे दें, सन 1908 में एक मजदूर आंदोलन के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की असल में शुरुआत हुई थी। महिलाओं ने न्यूयॉर्क में उनकी नौकरी के घंटे कम करने और साथ ही उनका वेतन बढ़ाने की मांग रखी थी। महिलाओं की हड़ताल इतनी कामयाब रही कि वहाँ के सम्राट निकोलस को पद छोड़ना पड़ा और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया। महिलाओं के इस आंदोलन को सफलता मिली और एक साल बाद ही सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया, जिसके बाद से इस दिन को मनाने की शुरुआत हो गई। उस समय रूस में जूलियन कैलेंडर का प्रयोग होता था, जिस दिन महिलाओं ने यह हड़ताल शुरू की थी वह तारीख जो है 23 फरवरी बताई जा रही है। और इसी तरीके से जो है 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार यह दिन जो है 8 मार्च का था। तो इस तरीके से जो है 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हो गई। सवाल यहाँ पर यह है कि एक भारतीय महिला दिवस ही मनाया जाता है, लेकिन भारतीय महिला दिवस इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है भारतीय होने के बावजूद, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप लोग भारतीय महिला दिवस को ही सपोर्ट करिएगा। दो दिन बाद यानी कि 9 और 10 तारीख को, 10 तारीख को जो है भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे क्या कहानी है और आखिरकार 10 तारीख को भारतीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको भी जान लेते हैं। दरअसल भारत में लंबे समय से 8 मार्च की जगह 10 मार्च को भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे एक खास वजह है। एक खास वजह है कि 19वीं सदी में स्त्रियों के अधिकार, अशिक्षा, छुआछूत, सती प्रथा, बाल और विधवा विवाह जैसी कुरीतियों पर आवाज़ उठाने वाली देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले का स्मृति दिवस होता है, और इसी कारण से जो है दलित महिलाएं जो है 8 मार्च को नहीं 10 मार्च को जो है भारतीय महिला दिवस मनाती हैं। और ये भारतीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। ये दो प्रमुख कारण 8 मार्च और 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय महिला दिवस मनाए जाने का, क्योंकि आप लोगों को कोई भी दिवस अगर मनाया जा रहा है तो उसके बारे में असलियत ही पता होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप यूँ ही मनाते रहे, सब भेड़ चाल में चल रहे हैं तो आप भी चल रहे हैं, परंतु असली वजह आपको पता नहीं है। चलिए यहाँ पर दिवस का सिलसिला खत्म होता है, अब आते हैं खबरों पर। आपको बता दें कि ट्विटर अभियान चलाने के लिए 8 मार्च यानी कि आज ही के दिन कहा गया था, लेकिन इनक्रीज जो आप लोगों ने हैशटैग रखा था उस हैशटैग में इतना ज़्यादा दम नहीं देखा गया। जी हाँ, बिल्कुल कड़वी सच्चाई मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि ट्विटर पर, मैं आपको ट्विटर ओपन करके दिखाता हूँ ट्रेंड क्या कर रहा है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ट्विटर पर इस समय ट्रेंड क्या कर रहा है, महिलाओं के बारे में देखिए कितना ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ट्रेंड कर रहा है, और भी छह चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं।
मैं आपको बता दूं, वुमेन पावर ट्रेंड कर रहा है, वुमेन पावर मैन ट्रेंड कर रहा है। इसी के साथ ही नारी शक्ति जो कार्यक्रम जो उत्तर प्रदेश के सीएम चला रहे हैं, नारी शक्ति कार्यक्रम देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में ट्रेंड कर रहा है। इसी के साथ ही महिलाओं पर अन्य चीज़ें ट्रेंड कर रही है, महिला शक्ति भी ट्रेंड कर रही है। लेकिन यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई कोई भी जो है टैग जो है या फिर जो अभियान चला रही महिलाएं, ये यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं कर रहा। इसका प्रमुख कारण क्या है, क्यों आखिरकार ट्रेंड नहीं कर रहा? इसका प्रमुख कारण यही होता है कि सभी महिलाओं ने ट्वीट नहीं किया या फिर बहुत कम महिलाओं ने ट्वीट किया, एकता देखने को नहीं मिली। इसी कारण से ये जो है ट्विटर ट्रेंडिंग में नहीं आ पाया। और नारी शक्ति की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया, उनका नारी शक्ति बखूबी ट्रेंड कर रहा है। आपने अपनी मांगों को लेकर, अपनी सैलरी बढ़ाए जाने को लेकर जो है हैशटैग बनाया था, वो हैशटैग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं है कि कोई एक या दो व्यक्ति इसमें हैशटैग में जुड़ जाएगा और उससे वो ट्रेंड में करने लगेगा, ऐसा नहीं है। कम से कम 50,000 से ऊपर जो है व्यक्ति यानी कि बहनों को जुड़ना आवश्यक था, लेकिन यहाँ पर 50,000 लगभग जो है नहीं जुड़े ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंडिंग में नहीं आया है। और कई चीज़ें आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग में चल रही है, यहाँ पर मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिखाया। दुख की बात है, लेकिन फिर भी हम अभियान ऐसे ही जारी रखेंगे, कोई नया ट्रेंड बनाएंगे। अभी आप देखेंगे कि युवाओं ने जब SSC और रेलवे की परीक्षा नहीं हो रही तब कितना ज़्यादा विरोध सरकार का किया था, फिर उसके बाद SSC और रेलवे की परीक्षाएं होना स्टार्ट हो गई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी देखिएगा, अगर आप लोगों को कई पार्टियों का इसमें सहयोग नहीं मिला, अगर विपक्षी पार्टियों का अगर सहयोग मिलता तो हो सकता है कि यह ट्रेंड जल्दी करता, चूँकि आपकी मांग सिर्फ वेतन बढ़ाए जाने को लेकर थी। और कई ऐसे ट्रेंड होते, अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश के सीएम के अगेंस्ट कोई अगर आप हैशटैग बनाते तो हो सकता था कि आपको विपक्षी पार्टी का सहयोग मिल जाता। ये सब कल्पनाओं की बातें कर रहे हैं, हो सकता मैं बातें कर रहा हूं, क्योंकि ऐसी संभावना है। अगर आप सीएम के विरुद्ध या भाजपा के विरुद्ध कोई हैशटैग बनाते तो हो सकता है कि विपक्षी पार्टी भी सहयोग दे देते। लेकिन आप लोगों ने आंगनबाड़ी इंक्रीजमेंट सैलरी ऐसी कुछ हैशटैग बनाया था, तो इसी कारण से जो है बहुत ही आपको कम सहयोग मिला। यहां तक की सच्चाई है कि बहुत सारी बहनों ने भी हैशटैग में भाग नहीं लिया, या फिर बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जिनको जो है असल में जो है ट्विटर पर जो है पोस्ट करना ही नहीं आता, या फिर बहुत सारी बहनें ऐसी जिनके पास ट्विटर है ही नहीं। और अगर ये बात सच है तो आप हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ ही आज हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि कितने लोगों ने ट्विटर पर जो है ट्वीट किया है। जी हाँ, ट्विटर पर ट्वीट किया है, जो हैशटैग आप चला रहे हैं उस हैशटैग के साथ कितने लोगों ने जो है ट्वीट किया है, आप हमें यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जितने लोगों ने ट्वीट किया है कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। इससे एक अनुमान लगेगा कि भाई इतने लोगों ने ट्वीट किया, फिर भी हो सकता चलिए ट्रेंड में नहीं आया, पर परसेंटेज तो देखने को मिलेगा कि भाई इतने लोगों ने ट्वीट किया, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन जितने ज़्यादा लोग यस लिखेंगे, लेकिन अनुरोध रहेगा फर्जी यस ना लिखें, जिन लोगों ने वाकई में ट्वीट किया है वही यस लिखें और कमेंट बॉक्स में यस लिखें, साथ ही लाइक जरूर करें अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो। अब दूसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हालांकि ये खबर हम आपको बता चुके हैं लेकिन फिर भी रिपीट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, कल हमने आपको खबर दिखाई थी, देखिए मुख्यमंत्री किस तरीके से संबोधित कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के सदन में हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो है 500 रुपये आंगनबाड़ी कर्मियों के बढ़ाए जाने का ऐलान हुआ है, साथ ही हेल्पर और मिनी जो है इनका 300 रुपये बढ़ाए जाने का ऐलान हुआ है। इस वीडियो को देखिए और समझिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो देखने के बाद ही समझते हैं, तो उनके लिए वीडियो प्रेजेंट की जा रही है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर कोई भी खबर फेक नहीं दी जाती है, जिनको खबरों पर विश्वास हो वो हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही इस वीडियो को देखिएगा किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री ऐलान कर रहे हैं, हालांकि यह जो है वेतन बहुत ही कम मानदेय है, दरअसल बहुत ही कम ऐलान किया गया है, लेकिन कुछ फौरी तौर पर जो है राहत जरूर मिलेगी। चलिए इस वीडियो को देखिए। पे एंड स्टे आधार पर आदर्श वरिष्ठ नागरिक होम खोला जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले मानदेय को भी 500 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की घोषणा करता हूं। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 300 रुपए प्रतिमाह, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 300 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की भी स्पष्ट घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट है कि हमारी सरकार समाज के सभी जरूरतमंद वर्गों के प्रति संवेदनशील है और सभी को राहत देने के लिए कृत संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि ताकत आवाज में नहीं विचारों में होनी चाहिए और विचारों की मंगल कामना को मूर्त रूप देने के लिए हिम्मत और हौसला। अब हम उत्तर प्रदेश की बधाई चलते हैं, यहाँ पर जो है अच्छी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल प्लांट से जुड़ी हुई खबर निकल कर आ रही है। आपको मालूम होगा कि ब्लॉकों में प्लांट लगेंगे, प्लांट के बाद जो पुष्टाहार उत्पादित होगा वही सेंटर पर जाएगा। और पहले आपको हम बता चुके हैं कि कंपनी का सिलसिला टेंडर प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, अब जो है प्लांट लगने के बाद महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए जो है पुष्टाहार भेजा जाएगा। तो बधाई से खबर आ रही है, इसको गौर कर लेते हैं, इसको आपको बताते हैं। दरअसल बाल विकास पुष्टाहार को नेफेड या अन्य कंपनियों व एजेंसियों से लेने की जरूरत नहीं रहेगी, अब जिले की महिलाएं पुष्टाहार तैयार करेंगी और गर्भवती धात्री महिलाओं के लिए कुपोषित बच्चों को पुष्टाहार उपलब्ध कराएंगी।
इसी के साथ ही कुपोषित बच्चों का जो है पुष्टाहार उपलब्ध कराएंगी। महिलाओं के पुष्टाहार को महिला स्वयं सहायता समूह ही उपलब्ध कराएगा। यहाँ पर जो है जिले के 3 ब्लाकों में फैक्ट्री लगाकर पुष्टाहार बनाकर तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत महिला समूह में पुष्टाहार तैयार करेगा। अब 3 ब्लॉक कौन कौन से बताए जा रहे हैं, सालारपुर, आसफपुर, उसामा में समूह के माध्यम से फैक्ट्री लगाई जाएगी। और इसके लिए जो है राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अधिकारी ऐसे समूह की तलाश कर रहे हैं जो फैक्ट्री के कार्य को पूरा कर सकें। आपको बता दें ये बहुत अच्छी जानकारी है। और इसी के साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 3 ब्लाकों में पुष्टाहार फैक्ट्री संचालित होगी। इन फैक्ट्री से पूरे जिले में पुष्टाहार तैयार किया जाएगा, जिससे बड़े स्तर पर काम करने वालों की जरूरत होगी और इसे महिलाओं को प्रमुख तौर पर बुलाया जा रहा है। अब जिला कार्यक्रम अधिकारी का भी यहाँ पर बयान आता है। अभी तो नैफेड से पुष्टाहार की सप्लाई आ रही थी, नैफेड से कुछ दिक्कतें भी हैं। सरकार चाहती है कि महिलाओं को रोजगार मिले, इसलिए आजीविका मिशन समूह के तहत फैक्ट्रियाँ खोली जाएंगी जिन पर पुष्टाहार तैयार कर सप्लाई किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों तक पुष्टाहार महिलाएं उपलब्ध कराएंगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी का यह बयान निकल कर आया है तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा, कंपनी का जो है बिचौलियापन था वो खत्म होगा और इससे डायरेक्ट तौर पर जो है सेंटरों पर ही पुष्टाहार हो जाएगा और आपके जनपद में ही ये पुष्टाहार उत्पादित होगा। तो ये बड़ी अच्छी जानकारी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बदायूं में ही यह प्लांट लगाए जाएंगे। आपको बता दें आपके ज़्यादातर जनपदों में यह प्लांट लगाए जाएंगे। बहुत सारे लोग इसे पूछेंगे कि आखिरकार पंजीरी सप्लाई कब से शुरू हो जाएगी, तो भाई जब से प्लांट लग जाएंगे उसके बाद से सप्लाई शुरू होगी। तो अभी थोड़ा इंतजार जो है आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि जो है सूखा राशन व्यवस्था अस्थायी प्रणाली पर चल रही, जैसा कि सरकार ने जानकारी दी है, और बटना पुष्टाहारी है लेकिन प्लांट लगने के बाद ही बटेगा। तो यहाँ पर एक खबर जो है ख़त्म होती है। जाते जाते एक खबर हम आपको और दे देते हैं, इसको भी आप लोगों को समझना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों के प्री प्राइमरी स्कूल नए सत्र से, इसको लेकर भी एक खबर आ रही है लखनऊ से। प्रदेश के 188,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को अब नए सत्र से प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित करने की तैयारी है और इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने मॉड्यूल तैयार कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गत वर्ष इन केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित करने के निर्देश दिए थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इन्हें चलाने का प्रावधान किया गया था। महिला कल्याण व बेसिक शिक्षा विभाग ने इन केंद्रों को स्कूल के रूप में तैयार किया है। शिक्षा का मॉड्यूल व अधिगम स्तर लर्निंग आउटकम भी निर्धारित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर यही भी जानकारी आ रही है कि नया सत्र शुरू होगा, इससे आंगनबाड़ी केंद्र प्री प्राइमरी विद्यालय संचालित होंगे। क्योंकि आप लोगों को प्रशिक्षण मिल गया, प्रशिक्षण देने का ही यही मकसद था कि जो आपको प्री प्राइमरी में तब्दील किया जा रहा है उसके अनुसार आप जो बच्चों का जो है बौद्धिक विकास कर सकें, खेल खेल में उनको शिक्षण का कार्य करा सकें, इसी कारण से जो है प्रशिक्षण आपको दिया गया है। और आपको बता दें इसमें बहुत सारे लोगों के मन में यही फिर से डाउट है कि प्री प्राइमरी में क्या वेतन भी प्री प्राइमरी टीचर यानी जो टीचरों को मिल रहा है उसके समान हो जाएगा, तो ऐसी कोई भी जानकारी नहीं। मैं लगातार आपको जो है क्लियर करता चला जा रहा हूँ। हालांकि आंगनबाड़ी कर्मियों की मांग है कि प्री प्राइमरी के समान जो है उनको जिस तरीके से शिक्षकों को प्राइमरी के समान वेतन मिलता है, उसी तरीके से प्री प्राइमरी अगर है तो उनको भी जो है सरकारी कर्मचारी के समान जो है वेतन दिया जाए। बहुत सारे लोग जो है इसको लेकर विरोध जता रहे हैं कि प्री प्राइमरी का दर्जा दे दिया लेकिन वेतन जो है वही मान दे रहे हैं, वेतन नहीं दे रहे हैं। इसको लेकर जो आंगनबाड़ी कर्मी विरोध कर रहे हैं, पूरे देश के आंगनबाड़ी बहनें जो हैं विरोध कर रही है। और इसी कारण से जो है 8 मार्च यानी आज के दिन जो है हैशटैग भी चलाया इन्होंने और मांग की कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। तो यहाँ पर सभी खबरें खत्म होती है। और ज़्यादा खबरों के लिए jmhnews.in पर विजिट करें, तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथ ही जो है लाइक शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।